प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहा नवा G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 सम्मेलन ने कर संबोधित किया भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति री बैठक आज PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा की अध्यक्षता में होबा वाली इन बैठक में प्रत्याशी आरा चयन रे साथ चुनावी रणनीति माते होवेली चर्चा। प्रदेश रा सगला जिला में मतदान प्रशिक्षण रे साथ किया जा रहा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रा आयोजन। धौलपुर में निर्वाचन विभाग दियो मतदान दला ने प्रशिक्षण वटे ही जोधपुर में निकाली गई महिला बाइक रैली। सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर सुलागी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे श्रीकरणपुर माए पाकिस्तानी ड्रोन ने मार गिराए। ऑपरेशन माए 12 करोड़ रुपया कीमत री हेरोइन करी जब्त। राज्य माए नयो पश्चिमी विक्षोभ 15 अक्टूबर सु होवेलो सक्रिय। जयपुर अजमेर बीकानेर श्रीगंगानगर अर हनुमानगढ़ जिला रे कई भागा माए मेगा गर्जन रे साथ ही हल्की सु मध्यम दर्जा री बारिश री संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो DD राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चल रिया नवा G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 सम्मेलन ने संबोधित करता थका कया के भारत दुनिया री सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिन्ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी रा नाम सु भी जानो जावे है। वे कया के भारत री संसदीय प्रक्रियावा माए लगातार सुधार हो रियो है साथ ही लोगा री सहभागिता भी जग लगातार बढ़ी है जिन माए महिलावा री संख्या माए भी इजाफो हुयो है। प्रधानमंत्री कया के पार्लियामेंट प्रैक्टिस माथे लोगा रो घणो भरोसो है। इनसु पहली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन ने संबोधित करता थका कया के पर्यावरण संरक्षण किणी एक देश रो विषय नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है और इन खातर माने आपरा जीवन माए पर्यावरण अनुकूलन परिवर्तन लियाणो होवेलो। आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलीब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलीब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छद्वम संवदद्वम सम मनासि जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति री महत्वपूर्ण बैठक आज PCC माए होवेली। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा री अध्यक्षता माए होबा वाली इन बैठक माए प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा समेत प्रमुख नेता शामिल होवेला। बैठक माए विधानसभा चुनाव खातर प्रत्याशी आरा चयन रे साथ चुनावी रणनीति माथे चर्चा करी जावेली।
स्वतंत्र निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराया जाबा खातर धौलपुर माए जिला निर्वाचन विभाग कानी सुव्यापक तैयारियां करेगी है। जिले भर माए संगन जांच अभियान चलायो जा रियो है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल बताए कि जिला रा चारू विधानसभा क्षेत्र धौलपुर बाड़ी बसेड़ी और राजखेड़ा माए फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो सर्विलांस दल सक्रिय है। यो दल हर गतिविधि माथे नजर बनायो हुयो है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने भी इसको बड़े ढंग से कंसिडर किया है। 10 अक्टूबर अभी 2 दिन पहले ही एक अधिसूचना जारी हुई है राज्य के गजट में, जिसमें इनको ये बताया गया है इनके बारे में कि जो रोडवेज में नियोजित हमारे चालक परिचालक है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ है, बिजली विभाग के जो हमारे लाइनमैन वगैरह हैं, PHD में जो मिस्त्री वगैरह हैं, पंप चालक हैं इन, और या दूध वाले दूध संचालक हैं, इन सब का भी ध्यान रखते हुए निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि इनको भी डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा मुहैया की जाए। हम रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दे रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट से उनके अपने लेवल पर नोडल अधिकारी नियुक्त करवा लें, कि रोडवेज का नोडल अधिकारी जो इनको हमारे कोऑर्डिनेट करेगा, मेडिकल साइड से कोऑर्डिनेट, उनको हम डाक मतपत्र जो भी वो आवश्यक मांगेंगे कि उस दिन ड्यूटी पर रहेंगे रोडवेज में या बिजली में या पानी में या दूध व्यवस्था में, ऐसे तमाम लोगों की सूची हमारे पास है जो डाक मतपत्र की मांग की जाती है, वो फॉर्म 12D बनवाकर जो हमारी जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर चुनाव आयोग कानी सु न्यारा न्यारा जिला माए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करियो जा रियो है। महिला अधिकारिता ICDS और राजीविका मिशन कानी सु जोधपुर माए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रे तेत महिला बाइकर श्री रैली निकाली गई। रैली रे माध्यम सु आमजन ने मतदान करबा खातर जागरूक करियो गयो। इन रे अलावा मानव श्रृंखला रंगोली रे साथे लोगों ने मतदान करबा रो संकल्प दिलायो गयो। महिलाएं जो हैं वो बहुत बड़ा एजेंट होती है सोशल चेंज का, सांस्कृतिक और कल्चरल बदलाव का, और जो हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं उनका प्रत्येक दिन समाज के विभिन्न स्तरों से, समाज के विभिन्न वर्गों से उनका संवाद होता है। और हमें यह आशा है कि ICDS के माध्यम से या फिर महिला अधिकारिता और राजीविका की दीदियाँ यानी कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं, यदि वो इस मैसेज को, वो इस चीज़ को समाज में परकुलेट करवाएं, समाज में इस चीज़ की सूचना दें कि हर किसी को 25 नवंबर को अपने केंद्र में जाके वोटिंग करना है, तो हम सभी लोगों को इस बात का विश्वास है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और अपनी सरकार को चुन सकेंगे। धर्म जाति और किसी भी प्रलोभन में न आकर निष्पक्ष चुनाव करें, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक श्रृंखला बनाई है जिसे हम उनको घर घर जाकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो अपने जिले के अंदर मतदान प्रतिशत है उसको विशेष रूप से बढ़ाने के लिए आज हमने ये जिला स्तर से बहुत बड़े आयोजन के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इस कार्यक्रम के तहत हम पूरे जिले के अंदर समस्त ब्लॉक के ब्लॉक मुख्यालय पर भी 20 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और पहली कड़ी में आज 13 तारीख से हमने जिले से शुरुआत की है। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर कानी सु मानक दिवस मनायो गयो। वैज्ञानिक टेक्निकल एक्सपर्ट और इंजीनियर्स कानी सु मानका ने बनाबा माए दिया जा रही सहयोग खातर वणारा सम्मान रा तौर माथे यो दिवस मनायो जावे है। सब खातर सुलभ और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवारी थीम माथे मनायो गयो। इन दिवस माथे पुलिस अधिकारी चिकित्सका रे साथे मीडिया सु जुड़िया लोगा ने भाग लिया। कार्यशाला माए मानक और वणारी मानव जीवन माए महत्ता माथे जानकारी दे बारे साथे स्वास्थ्य सु संबंधित मानक माथे विशेष ध्यान देबा माथे जोर दियो गयो। मानक दिवस का बेसिक एक कह सकते हैं आप, जस्ट ये मान लीजिए कि हर तरह के मानक जो हमारे आसपास हैं वो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, तो मानक दिवस एक उसको यादगार बनाने के लिए कि ये जो मानक बने हैं हमारे आसपास उनके मैजिक को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया। तो यही आज हम लोग कर रहे हैं। सभी तरह के स्टेक होल्डर्स मेरे साथ जुड़े हैं, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हमारी पार्टनर लैब्स के भी लोग हैं। हेलमेट पहनना कंपलसरी है, हेलमेट में भी जो सुरक्षा मानकों पे
खरा उतरे वैसा BIS हेलमेट की अनिवार्यता है, और जो मानक पे खरे उतरने वाले हेलमेट नहीं है, जिस पे BIS मार्क नहीं है, उस पे उसको रखना, स्टोर करना, बेचना, यह सारा प्रतिबंधित है। और मैं इस व्यवसाय में लगे सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि अनजाने में ऐसे हेलमेट ना बेचें जिसमें BIS नहीं हो, और अगर BIS वाला हेलमेट कहीं भी मिलता है तो उसको नष्ट कर दिया जाए। नॉन BIS मार्क का हेलमेट का बनाना, रखना या बेचना हर तरह से, एक तरह से कानूनी रूप से जुर्म है, और राजस्थान में BIS हेलमेट ही अलाउड है। 21,000 मानक है, और ये मानक ऐसे हैं जो हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र में इफेक्ट करते हैं, और अनलेस इनके बारे में जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो इनका इतना फ़ायदा नहीं है। इसमें एक ऐप BIS का ऐप है जिसमें आप जिस कैटेगरी के भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, BIT इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बस उसके ऊपर आई थिंक स्कैन करना है एंड इट विल टेल यू वेदर इट इज़ अ ISMI और BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका इस पर मतलब स्टैंडर्ड्स वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, बट ओनली थिंग इज़ कि उसको हमें अपने उसमें रखना पड़ेगा और एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि हमें वही प्रोडक्ट लेना है जो इसमें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मेडिकल में जहाँ तक मानकों का प्रश्न है तो मानक स्थापित करने में उच्चतम आयामों का मेडिकल साइंस में ध्यान रखा जाता है। जो भी इक्विपमेंट्स पेशेंट की सर्जरी से रिलेटेड हों, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हों, उन उपकरणों की जो राज्य सरकार के द्वारा भी खरीद होती है या कोई निजी चिकित्सालय भी लेते हैं, तो हमेशा वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये मानकीकरण इनका BIS के द्वारा है अथवा नहीं, क्योंकि जो चीज़ मानव जीवन से जुड़ी हुई है उसमें उत्कृष्टता से नीचे किसी भी प्रकार का समझौता संभव नहीं है, क्योंकि वो प्राण रक्षा के लिए अनिवार्य है। सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर सोलागी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे काल रात श्री करणपुर माए एक पाकिस्तानी ड्रोन ने मार गिरायो। सीमा सुरक्षा बल इन ऑपरेशन रे तेत लगभग 12 करोड़ रुपया कीमत री हेरोइन जब्त करी है। बलरा महानिरीक्षक पुनीत रस्तोगी रा निर्देशन माए हुई इन कार्यवाही सु पेली भी 3 अगस्त ने 10 किलो 850 ग्राम हेरोइन बरामद करेगी ही। आकाशवाणी कानी सु जयपुर माए PTC कार्यशाला रो आयोजन करयो गयो। कार्यशाला माए कंटेंट से एनर्जी विषय ने लेर आकाशवाणी 4 KPCT बिल्डिंग माथी चर्चा करेगी। आकाशवाणी री प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता सगला प्रतिभागिया ने संबोधित करता थका कया के आकाशवाणी रो उद्देश्य उपयोगी जानकारी दे बारे साथ ही सूचना व श्रोतावा ने प्रदान करनो है। इन मौके जयपुर दूरदर्शन रा केंद्राध्यक्ष सतीश देपाल, आकाशवाणी जयपुर रा निदेशक नीलेश कालभोर समेत दूजा अधिकारी और कर्मचारी अर्जिला सु आया संवाददाता मौजूद रिया। आपके पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, उसका बहुत सारी जानकारी है भाई, उसको बनाओ, दो कार्यक्रम में चलेगा। और मैं फिर बार बार हम कह रहे हैं, लिखित में भी दे रहे हैं कि जो PTC रेम्यूनरेशन है वो एक अलग वर्टिकल है, उसके अपने गाइडलाइंस हैं, सारी चीजें उन गाइडलाइंस से बंधी हुई है, दोनों चीजों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं आप सब भी मीडिया कर्मी हैं, इसलिए अगर कोई चीज है तो ये हम लोग क्या कहते हैं भाई, पढ़ लो ना ठीक से क्या लिखा है, इसीलिए मैं लैंग्वेज की बात कर रही थी बार बार। राज्य माए नयो पश्चिमी विक्षोभ 15 अक्टूबर सु सक्रिय हो बारी संभावना है। इनरा प्रभाव सु प्रदेश रा कई जिला माए बारिश होवेली। मौसम विभाग रा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ रा कुछ भागा माए बारिश हो बारी संभावना है। वे बताया कि 16 और 17 अक्टूबर ने बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग रा कुछ भागा माए मेघा गर्जन रे साथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हो सके हैं। मौसम निदेशक बताया कि मौसम माए आया बदलावा सु दिन और रात रा तापमान माए लगातार कमी दर्ज करी जा रही है। खासकर रात रो तापमान घणो कम हुयो है। लारला 24 घंटा माए राजधानी जयपुर माए अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करयो गयो है। अरे खास खबर एक बार फिर सु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चल रही 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर से समिट P20 सम्मेलन ने किया संबोधित किया भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा की अध्यक्षता में होबा वाली इन बैठक में प्रत्याशी आरा चैन रे साथी चुनावी रणनीति माते होवेली चर्चा। प्रदेश रा सगला जिला में मतदान प्रशिक्षण रे साथे करिया जा रहा है मतदान जागरूकता कार्यक्रम आरो आयोजन। धौलपुर में निर्वाचन विभाग दियो मतदान दला ने प्रशिक्षण वटे ही जोधपुर में निकाली गई महिला बाइक रैली। सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर सुलागी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माते श्री करणपुर माए पाकिस्तानी ड्रोन ने मार गिराए ऑपरेशन माए 12 करोड़ रुपए कीमत री हेरोइन करी जब्त। राज्य माए नयो पश्चिमी विक्षोभ 15 अक्टूबर सु होवेलो सक्रिय। जयपुर अजमेर बीकानेर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कई भागा माए मेगा गर्जन रे साथ हल्की सु मध्यम दर्जा री बारिश री संभावना। राजस्थानी खबरों में यात्रो ही नमस्कार।